नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया के इस खास कार्यक्रम 24 की चौपाल में। मैं हूं आपके साथ योगी श्रांता और मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज मिश्रा भी मौजूद हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट शरद त्रिवेदी जी होंगे बीजेपी की तरफ से और डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रही हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जुड़े हैं आपके साथ इसलिए कि आज बहुत लंबे वक्त के बाद पंकज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ हमें एक मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखे, दो पूर्व अध्यक्ष और एक मौजूदा अध्यक्ष। मुद्दा ये कि कांग्रेस के जो अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा, उनको लेकर कांग्रेस बेहद चिंतित है। क्या वाकई में कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि उसके पास पोस्टर छपवाने तक के लिए पैसे नहीं है और वो आरोप सीधे तौर पर लगा रही है कि केंद्र की बीजेपी सरकार की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है, या फिर कांग्रेस कुछ सिंपैथी भी गेन करना चाहती है? जिस तरह से बीजेपी कह रही है, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो हार चुकी है और वो उसकी हताशा दिखा रही है। तो हम सबसे पहले तो पूजा त्रिपाठी के पास जाना चाहेंगे। पूजा जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, क्या हार की हताशा है या वाकई ही आप लोगों के साथ बीजेपी ने इस तरह का काम किया है कि आपके पास पोस्टर छपवाने के पैसे? देखिए योगेश जी, लोकतंत्र किस किन धरातलों पे खड़ा होता है? लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा जो मुद्दा होता है, बहुत बड़े क्या कहूंगी माइलस्टोन होता है, वो होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना। आज हम जिस उस पे बैठे हैं, जिस दोराहे पे बैठे हुए हैं, वहां भाजपा के पास इलेक्टोरल बॉन्ड का 6,000 करोड़ रुपए है। उनके आलिशान नुमा कार्यालय बन रहे हैं हर जिला कार्यालय में। उनके पास अकूत धन संपत्ति है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। वही कांग्रेस की 93 का एक इलेक्शन का आईटी एक्ट का नोटिस दिया गया है, 93 का 14 लाख रुपए के लिए। उसके कारण कांग्रेस की 200 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। इलेक्शंस, देखिए आपसे और मेरे से बात छुपी नहीं है कि इलेक्शंस पैसे से लड़े जाते हैं। इलेक्शंस में हमें पोस्टर्स छपवाने होते हैं, हमें ऐड देने होते हैं, हमें अपने कार्यकर्ताओं को पैसे देने होते हैं, हमारे लीडर्स के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ती है। और आज कांग्रेस के पास कुछ भी करने का पैसा नहीं है, क्योंकि उसके सारे, उसकी जो फाइनेंशियल आइडेंटिटी, उसके सारे अकाउंट्स है, वो फ्रीज कर देगा। इस तरीके से वही पार्टी जो 400 प्लस आने का दावा करती है, वही पार्टी जो कहती है कि इन्हें कोई रोक नहीं सकता, हम 370 लाएंगे, एनडीए 400 लाएगी, वो इतने निचले स्तर तक आ जाती है। यही वो पार्टी जिन्होंने 150 सांसदों के ओपिनियन को बंद करने की कोशिश की थी, उन्हें वहां से डिस्क्वालीफाई किया था सदन को। आज ये सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज हो जा रहे हैं, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं। इसीलिए आज आपने देखा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे दोनों पूर्व अध्यक्ष और अभी के अध्यक्ष आकर यह बात ही चिंता जाहिर कर रहे हैं। एक महीना बचा है, 14 अप्रैल को पहला लोकसभा का पहला चरण। वापस आपके पास लौटेंगे जल्दी से, छोटा सा रिएक्शन शरद त्रिवेदी जी से भी ले लेते हैं। शरद जी, जहां बीजेपी कह रही है कि हार की हताशा है इसलिए अभी से माहौल बना रहे हैं, लेकिन उसको दूसरी तरफ ये देखा जाए कि अगर 400 पार करना है आपने सीटों को, तो आप भी डर रहे हैं, इसलिए आप कांग्रेस के लिए इस तरह की मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। दूसरी चीज ये है कि इसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक रूटीन मैटर है, जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है। सर, 2017-18 का मैटर अब आता है, इलेक्शन से पहले 1994 का नोटिस आप भेजते हैं इलेक्शन से पहले, रूटीन मैटर पर शरद जी थोड़ा सा सवाल जरूर है। हमने नहीं भेजा है पहले की, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई दूर दूर तक इससे लेना देना नहीं है। रूटीन इंक्वायरी है, वो इंक्वायरी का जवाब दें, उनके पास कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। आप देखें कि पहले कैसे केजरीवाल जी कह रहे थे कि नहीं साहब, हम दूध के धुले हैं, संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी सब जेल गए हैं और उनको बेल नहीं मिल रही है, तो आप उनके लिए भी दरवाजे खुले थे, लेकिन कोर्ट ने देखा कि कुछ जो उनके ऊपर आरोप लगे उनमें कुछ सच्चाई है, इसलिए कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उसी तरह आप देखें कि इस केस में भी इनके पास विकल्प खुले हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, इनके पास टॉप एडवोकेट है, ये इमीडिएट हियरिंग के लिए, मतलब आप सवेरे फाइल करिए, आपकी 2 बजे हियरिंग हो जाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जी हाँ, विक्टिम कार्ड खेलने की कोई जरूरत नहीं है, एक रूटीन इंक्वायरी, इनको जवाब देना है, और इनको जवाब आज देंगे, कल देंगे, सुबेरे देंगे, शाम को देंगे, जवाब देना है जवाब दे दीजिए, कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जब आपको मालूम है कि चुनाव का नतीजा क्या निकलने वाला है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि 3 महीने बाद क्या होगा, एक तो ईवीएम खराब हो जाएगी और संविधान की हत्या हो जाएगी, ये पहले ही से तय है। तो इसमें कोई, सब लोग कहानी जानते हैं, हकीकत सबको पता है कि जिस पार्टी ने जीप से लेके जीजा जी तक
जो पहला घोटाला था 48 में जीप का घोटाला था ना, हमारे कोई हमारा दूर दूर तक उस समय हम कहीं भी पिक्चर में नहीं थे। उसके बाद जो जीजा जी तक जितने स्कैम हुए उसमें कांग्रेस का हाथ रहा है। तो इसमें हमारा कोई मैं आपको बता रहा हूँ कि फिरोज गांधी जी जो इंदिरा जी के पति परमेश्वर है, उन्होंने ये कहा था कि हरिदास मुंद्रा जिन जो कांग्रेस को फंड करते थे उनको बचाने के लिए LIC के फंड यूज किए गए थे, जिसके लिए वो नेहरू जी के खुद खड़े हुए थे। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। जो जमाना चला गया उसके बारे में हम चर्चा ना करें। इतिहास को खोदेंगे तो बंगाल लक्ष्मण से लेकर सब कुछ निकलेगा, आपकी पार्टी का भी बाहर निकलेगा, उसकी बात हम बाद में कर सकते हैं। पूजा जी देखिए, यहाँ पर शरद जी जो लाइन टो कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये बहुत ही मैं कहूंगा कि वेल स्क्रिप्टेड और एक एक्सपेक्टेड लाइन पर बीजेपी का रिएक्शन है ये कहना। आज आपकी पार्टी ने, पूजा जी, कांग्रेस ने कहा कि ईडी हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, कांग्रेस ने इस पर भी आरोप लगाया कि सारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो सरकार के लिए काम करने लगी है और उनका ही बेसिकली एक फॉलोआउट है जो उन पर नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो टाइमिंग है, there is no smoke without fire, ऐसा जो कहते हैं, क्या ये टाइमिंग अभी जिस तरह से चुनावों के समय ये केस आया है, इसको लेकर आपको लगता है जो एक सिस्टमैटिक टारगेटिंग की बात हुई कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि यहीं से शुरू होती है? पंकज जी, मैं तो बहुत अभी अभी पॉलिटिक्स में आई हूँ, शरद जी शायद बहुत समय से हैं, वो बताएंगे अगर हम प्रकाश डालेंगे कि 32 साल पुराना इनकम टैक्स का नोटिस किस पार्टी को गया है, क्या भाजपा इनकम टैक्स देती है? मुझे सिर्फ सीधे से सवाल है इनकम टैक्स के, फिरोज गांधी इन सब पे चले गए, जैसा योगेश जी ने कहा बंगालू लक्ष्मण और कारगिल के कफन के करप्शन पे आएंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएगी बात, वहां के भी क्यों जाए हम हेमंता बिस्वा सरना अजीत पवार की बात करते हैं। तो बात तो ये जिस तरीके से अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के सारे जो फर्स्ट सेट ऑफ डेटा है उसमें बताया कि 10 अप्रैल को ईडी की रेट पड़ती है, 12 अप्रैल को वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड में 900 करोड़ रुपए देती है और वो 14 अप्रैल को वो ईडी की रेट खत्म हो जाती है। इस तरीके के टोटल 21 मामले जो सामने आए हैं, एक दिन ईडी की रेट पड़ती है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दे देते हैं 500 करोड़ और उनको 27,000 करोड़ का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो जो पार्टी आज ईडी के 96% केसेस अपोजिशन के खिलाफ है, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, इन सब की संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिला दी गई हैं। तो अगर ये यहाँ पे संवैधानिक संस्था, अब कोर्ट में जाइए ये बात तो करिए क्या, 32 साल पुराना केस चुनाव के 2 महीने पहले लेकर आ रहे हैं और एक पार्टी को फाइनेंशियली क्रिपल कर रहे हैं, जबकि आपका ये जोर शोर से विश्व गुरु का क्लेम है, आप तो रशिया यूक्रेन की युद्ध भी रुकवा देते हैं बच्चों को वापस लाने के लिए, तो आप इतने निचले स्तर पे गिर जाएंगे कि आप एक पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर देंगे। पूजा जी, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, शरद जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, बट पूजा जी ये बात भी देखिए बहुत स्पष्ट है। अगर आपने एक बात करें क्लब के शुरुआत में कही कि हम सब जानते हैं कि चुनाव पैसों से लड़े जाते हैं, उसी तरह से हम सब ये भी जानते हैं कि चुनाव के दौरान आप क्या कह रहे हैं, आपकी पृष्ठभूमि, आपके बैकग्राउंड से कुछ भी चीजें निकल के सामने आ जाती हैं, वो पब्लिक डोमेन में आती हैं। कोर्ट्स का अगर रास्ता अपनाना हो तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने की आवश्यकता पड़ी लोगों तक जाने की, उससे कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कहीं एक विक्टिम कार्ड तो नहीं खेलना चाह रहे थे। आप लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो कीजिए, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के केस में कहा है कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो आप समन्स क्यों दे रहे हैं, अगर आप उसका कारण अरविंद केजरीवाल को नहीं दे सकते हैं तो आप दिल्ली हाई कोर्ट में हैं, तो आप हमें तो बताइए कम से कम। दूसरे से अगर आप कोर्ट के रास्ते जाते हैं तो क्या आपको लगता है वो सर्वथा गलत हो जाता? पंकज जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है 21 मार्च को और हमारे जो अकाउंट्स पहली बार फ्रीज किए हुए थे जब गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें एक लियन मनी 116 करोड़ छोड़ना, उसके बाद 100 करोड़ हमारे अकाउंट से, वो पब्लिकली फंडेड मनी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, हमने कैंपेन्स चलाया है, जनता के पास गए हैं पैसे का, वो बिल्कुल वो पीएम केयर्स की तरह किसी से छुपा नहीं है कि चाइनीज धंधे के लिए चंदा या ऐसा कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपके सामने ऑनलाइन सारे ट्रांजेक्शन है। अगर मैंने 1100 रुपए दिया तो वहां दिख रहा है मेरे नाम के आगे पूजा त्रिपाठी 1100 है, अगर आपने, आपका बस एक एग्जांपल ले रही हूँ, अगर आपने 11,000 रुपए दिया तो 11,000 दिख रहा है। 12 फरवरी को ये अकाउंट्स फ्रीज हुए थे, आज हम 21 मार्च को बैठे, एक महीने से हम कोर्ट के पास जा रहे हैं, एक महीने से हम डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स में अप्लाई कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है। और आप देखिए कि अगले एक महीने में, एक महीना भी नहीं बचा है अब तो इलेक्शन को, और ये आलम है कि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, हमारे पास एड देने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास एजेंसीज हायर करने के लिए पैसे नहीं है। तो जब जब सारे रास्ते बंद होने लगते हैं, जब हमें कहीं
से कोई आशा नहीं दिखती। तो आज हम फिर जनता के सामने अपनी इस प्रॉब्लम लेकर आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए कि हमारे साथ सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के साथ क्या हो रहा है। अगर ये फांसीवाद नहीं है तो पता नहीं क्या फांसीवाद। शरद जी, ऑब्वियसली फांसीवाद का जिक्र यहाँ पर एक बार फिर से उठ रहा है। मैं आपसे एक ट्रेंड के बारे में जानना चाहूंगा शरद जी। योगेश, हम लोग जैसा भी चर्चा कर रहे थे शो के पहले भी कि बीजेपी न तो किसी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आए पिछले 10 साल में, न ही कुछ इस तरह की अनहोनी घटना, अप्रिय घटना हुई, अगर हम उसको सोसाइटल उसके तौर पर कहें कि कोई धार्मिक स्तर पर उन्माद या फिर कोई ऐसे दंगे नहीं हुए। लेकिन एक चीज जो बार बार उठ के सामने आ जाती है वो ये है कि ऑपोजिशन को जिस तरह से कटघरे में लाया जा रहा है, या जो ईडी का इस्तेमाल है, या जो उनका रोल रहा है काफी नॉर्मल से अब ऊंचे स्तर पर रहा है, इसको लेकर जो सवाल उठाते हैं तो आप कैसे देखते हैं शरद जी इसको? रूटीन वर्क है लेकिन टाइमिंग इस पर सवाल उठाते हैं। नहीं पंकज जी, अभी थोड़ा सा अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें कि जब भी इस तरह की आजकल ये पिछले 5-6 साल में इस तरह का चलन शुरू हुआ है कि जब कोई इस तरह की इंक्वायरी हो, जब तक कभी समन भेजा जाए तो पार्टी जो है वो पूरा घेराव करती है। आप देखें सीबीआई का घेराव, अभी जब राहुल जी को बुलाया गया था तो सीबीआई का घेराव हुआ था, उस तरह यही जब ईडी ने बुलाया केजरीवाल जी को तो आम आदमी पार्टी ने दंगे फसाद और घेराव करना शुरू किया। इसी का मैं आपको पैरेलल देता हूं कि जब माननीय मोदी जी को गोधरा कांड में फंसाया गया था तो वो खुद गए थे, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीबीआई के ऑफिस में नहीं गया था। जो इंक्वायरी हुई थी उन्होंने पूरी इंक्वायरी फेस करी, कोर्ट को फेस किया और वो कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, बाइज्जत बरी किया है। उसी प्रकार जैसे आप देखें इशरत जहान केस में जब अमित शाह जी को 6 महीने की जेल हुई थी, कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं गया था, कोई घेराव नहीं हुआ था, वो केस लड़े और जीत के आए, कम से कम उनकी छवि साफ निकल के आई कि साहब इस तरह की कोई घटना नहीं थी जिसमें उनको हुआ था। अब आप देखें कि इसी तरह जैसे डीएमके ने समर्थन वापस लिया था कांग्रेस का 2013 में, सुबेरे 11 बजे 5 घंटे के अंदर, एग्जैक्ट 5 घंटे के अंदर 4 बजे डीएमके के जो अभी मुख्यमंत्री हैं स्टालिन जी, उनके बेटे को कस्टम ऑफिसर्स ने उठा लिया। जब हमारे प्रेस ने और विपक्ष ने उस समय बवाल किया तो उसे वो सब छोड़ के 5 बजे वहां से भाग गए। तो ये क्योंकि जिस पार्टी को इतना बड़ा एक्सपीरियंस है इस तरह के केसेस को हैंडल करने का, कब कौन सी चीज का इस्तेमाल करना है, कब हमें प्रेस का इस्तेमाल करना है, जो आप प्रेस को धमकाते थे, जो जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस का आपको याद होगा, हम लोग तो उस समय बहुत छोटे हम आप बहुत छोटे थे जब इंडियन एक्सप्रेस का को सील किया गया था, आईटीओ पे उनकी पूरी बिल्डिंग को बंद किया था राजीव गांधी जी ने, तो क्या तरीका इस्तेमाल किया गया था। तो अब ये है कि क्योंकि अब बात यहाँ पे जो पंकज भी उठा रहे हैं जो सोशल मीडिया आप फिर वापस जा रहे हैं पुरानी बातों के ऊपर। हम मौजूदा स्थिति की अगर बात करें, उसमें जो डेटा भी है, तमाम डेटा आप लोगों के पास भी है कि कितने बड़े लेवल पर ऑपोजिशन के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां हुई है, ठीक है, और कितने ऐसे लोग जिनके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही थी वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां बंद कर दी गई। अगर कांग्रेस ने गलत इस्तेमाल किया तो क्या बीजेपी भी गलत इस्तेमाल करेगी? इसलिए आपको नहीं लाई है जनता, इसलिए कांग्रेस 52 पर है और आप लोगों को 303 सीटें दी गई पिछली बार। देखिए हम जो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं उनका केस बंद नहीं किया जाता है, कार्रवाई निरंतर चलती रहती है, कानूनी प्रक्रिया नहीं रोकी जाती है। अभी तक तो कुछ दिखा नहीं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो क्योंकि उनके ऊपर अभी आरोप कोई सिद्ध नहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, बहुत अच्छी बात है। पहले बाहर रहते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कोई केस हमने बंद नहीं किया है, सारे केस चल रहे हैं, निरंतर कानून अपनी प्रक्रिया उसकी पूरी तरह चल रही है और जो भी नतीजा निकलेगा सामने आ जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल देखिए ये बात सही है, लॉ ऑफ द लैंड, और जो एक कहावत कहते भी हैं कि लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स, आपको उसके साथ चलना ये जरूरी है। हाँ ये एक मैं इसको कहूंगा कि इट्स अ ट्रेजेडी दैट, लेकिन एक चीज ये है कि पहिए को घुमाता कौन, कितने आस्ते घुमाता है, कितना जल्दी घुमाता है उस इसमें पहिए को, इसमें रूलिंग डिस्पेंसेशन कभी नहीं मानेगी कि इसमें उनका हाथ है। इसलिए मैंने कार्यक्रम के शुरू में ही कहा था, जब शरद जी ने एक लाइन कही मैंने कहा कि ये एक एक्सपेक्टेड लाइन पर रिस्पॉन्स होता है,
लेकिन हमने ये भी गलत नहीं है, हम ज्यादा पीछे भी नहीं जाए 2013 की जब उन्होंने बात की तो भी डीएमके के रोल के बारे में, तो ये जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो इस तरह से इस्तेमाल करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूजा जी आपका रुख करते हैं बहुत जल्दी। देखिए ये चीजें एक हिस्सा जरूर है पॉलिटिक्स का, लेकिन जो दूसरा है वो है अलायंस का और लोगों के जनमत विश्वास और भरोसे का। हम अगर अभी कांग्रेस की पोजीशन की बात करें और बिगर पिक्चर में इंडिया अलायंस की बात करते हैं, कैसे आप देख रहे हैं? आपको समर्थन तो जरूर वहां पर, आपको जम्मू कश्मीर से लेके आपको उत्तर प्रदेश में, फिर डाउन साउथ आपको तमिलनाडु से भी आपके मेंबर्स हैं साथ में, लेकिन क्या लगता है ये कोहेसिव यूनिट जो बीच में हल्की लड़खड़ाती भी नजर आ रही थी, अब फिर से क्या सही रास्ते पर चल रही है? बिल्कुल, और ये लड़खड़ाएगी पंकज जी, मैं इसमें कोई बात गुरेज नहीं करूंगी ये बोलने में, क्योंकि इसमें इसमें दो लोगों की मनमानी नहीं चलती कि आप फोन उठा दीजिए आप मुख्यमंत्री बन जाइए, आप फोन उठाइए मुख्यमंत्री मत बनिए। यहाँ सभी अपने अपने में एक सक्षम लीडर है, सबका एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल बेस है, भले वो राज्य में सीमित है, ममता जी लो, अखिलेश जी, सब कोई बहुत ही सक्षम लीडर्स है, तो ये लड़खड़ाएगी और ये शायद चुनाव तक लड़खड़ाएगी, लेकिन हम साथ में हैं, हम साथ में लड़ रहे हैं और जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, ये सबसे जरूरी बात है। हम इलेक्टोरल बॉन्ड या खुद धन संपदा के बजाय उस व्यक्ति को बीच में ला रहे हैं राजनीति के, जो 27 रुपए में जीवन आता है, हमें इनके किसानों की दमनकारी नीति के खिलाफ, हम किसानों के MSP की बात कर रहे हैं, इनके पेपर लीक्स और युवाओं के प्रोटेस्ट के खिलाफ हम बच्चों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हम ना सिर्फ साथ में है बल्कि बहुत बहुत सशक्त। लेकिन ये साथ बातों में तो दिख रहा है, बातों में तो दिख रहा है पूजा जी, लेकिन आपने ममता जी का नाम भी ले लिया, क्या कांग्रेस कोई उम्मीदवार नहीं उतारने वाली पश्चिम बंगाल? मैंने यही कहा ना कि देखिए फ्रिक्शन आएंगे और वो उम्मीदवार उतारेगी नहीं क्या कांग्रेस ममता जी के खिलाफ, तो फिर कैसे? ममता जी ने कहीं पे भी कहा कि वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, वो इंडिया अलायंस के साथ है, वो इंडिया अलायंस का एक मजबूत पार्ट है, बाकी जब लिस्ट आएगी तो आपके सामने होगा कि हम कैंडिडेट। शरद जी ये जो कहीं ना कहीं दो गुटों की या दो फैक्शंस का जो है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तीसरा ही उसमें फायदा ले जाएगा? अक्सर इंडिया अलायंस का होने वाला है ना किसी का होने वाला है, इसमें फायदा जनता का होने वाला है, क्योंकि जब हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं, जब हम महिलाओं पर हो रहे रेप की बात करते हैं, जब बेरोजगारी की बात करते हैं, जब महंगाई की बात करते हैं, जब हम किसानों की बात करते हैं, जब हम अनऑर्गेनाइज्ड और MSME सेक्टर की बात करते हैं, तब हम जनता को लेकर आते हैं और इसमें जीत जनता की होगी जब इंडिया अलायंस की जीत। संदेश खाली में जो हुआ, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, संदेश खाली में हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए और एक कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी की महिलाओं का पूरा समर्थन वहां था, और जो जिस भरोसे के साथ महिलाएं वहां पर they were standing with Prime Minister Modi at that particular point of time, मुझे लगता है जो प्रताड़ित होता है उसके लिए किसकी सरकार है नहीं फर्क पड़ता है, जो उसकी मदद कर सकता है वही उसका मसीहा होता है। शरद जी आप इसको कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को, खासकर वेस्ट बंगाल के परिदृश्य? देखिए विपक्ष की एक दिक्कत है या हो सकता है मैं कहूंगा कि खूबी है कि वो एक आंख से रोते हैं। आप देखिए जैसे संदेश खाली के मामले में बिल्कुल किसी भी विपक्ष के नेता के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, जैसे ही और मणिपुर में आप देखिए किस तरह के हृदय विदारक बातें निकल के आई थी हमारे विपक्ष से, जब कश्मीर से लोग भगाए गए थे तो, और वहां पे जब महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ था, जब वहां भटकी का बलात्कार हुआ था उसको बीच में से चीरा गया था, तब कोई नहीं बोला था। तो ये कहानियां जो हैं आप, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि राजस्थान जो है उसको रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहां इनके धारीवाल जो इनके मंत्री थे उन्होंने कहा था कि साहब मर्दों का प्रदेश है यहाँ, बलात्कार जैसी तो मामूली सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हम लोग ये नेट पिकिंग ना करें, जो हकीकत है अगर कहीं गलत हुआ है तो संदेश खाली में भी गलत हुआ है, मणिपुर में भी गलत हुआ, लेकिन मणिपुर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 5 साल एक शांति का माहौल था, और जो कुछ मणिपुर में घटा है उसका ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार से कोई लेना देना था, वो एक कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ये घटना घटी थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी और सेंसिटिव मामला है क्योंकि मेरा बचपन वहां बीता है तो मैं कुछ वहां के बारे में जानता हूं। तो वो वहां पे मतलब 12,000 जातियों की लोगों की जातियां हैं, 8,000, 12,000, 16,000 की जातियां हैं वहां पे, तो उनमें आपसी मतभेद हैं, आपसी संघर्ष हैं जो सालों से चले आ रहे हैं। इनके कार्यकाल में आपसी संघर्ष को कंट्रोल कौन करेगा, रोकेगा कौन? अगर वहां घटना हुई, जिम्मेदारी बनती है, घटना हुई उसके ऊपर 58 दिन या 60 दिन कोई नहीं बोलता है, उसके बाद 1.5 मिनट जो है वो प्रधानमंत्री बोलते हैं मणिपुर को लेकर, संसद में जब चारों तरफ से दबाव बनता है,
अगर मणिपुर गलत था, संदेश खाली भी गलत है, डेफिनेटली कठुआ हुआ, उसका आपने नाम नहीं लिया, झंडे लेकर आपके लोग निकले समर्थन में वहां पर। अगर हाथरस हुआ, उसका नाम आप नहीं ले रहे, उन्नाव में जो हुआ उसका नाम आप नहीं ले रहे हैं, तो ये जो चूज एंड पिक वाला टैक्टिक्स है, ये बेशक कांग्रेस भी अपना रही है तो आप भी अपना रहे हैं, इसमें कोई दोराय की बात नहीं है। देखिए इसमें once again, ये भी फिर से वही बात आएगी कि हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। मेरा ये कहना है, मैं बहुत ही मुझे राइटर का नाम तो याद नहीं है, लेकिन ये एक ट्रांसलेटेड सोनेट का हिस्सा है कि मेरे रक्त भरे महाकाव्यों के पन्ने उड़ते हैं तुम्हारे हमारे इस झमेले में। सवाल ये है कि हम पॉलिटिक्स को आज के डेट में, जी हमने अगर गलती की है तो उन्होंने भी तो की थी, तो ये दोनों तरफ से होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने भी यही किया था, जब करप्शन की बात आई थी जिसको राइडिंग हाई ऑन एंटी करप्शन प्रॉमिसेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केम इन टू पावर इन 2014। लेकिन अब एक दूसरे तरह की सिनारियो उत्पन्न हो गया है जहां पर फिर कांग्रेस भी कटघरे में आती है, बीजेपी भी कटघरे में आ जाती है। एक फाइनल सवाल आप लोगों से लेना चाहेंगे, मैं जानता हूं समय बहुत कीमती है और आप लोगों का भी काफी बिजी शेड्यूल रहता है, आपसे शुरू करता हूं पूजा जी। अभी से लेकर एक महीने का जो अंतराल है पहले चुनाव तक, तीन ऐसे मुद्दे जो आप रखना चाहेंगी हमारे सामने जिस पर लगता है कि कांग्रेस खरी उतरती है और लोगों को कांग्रेस या इंडिया अलायंस का साथ देना चाहिए। मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा पंकज जी, मुझे महिला होने के नाते महिला सुरक्षा का लगता है, या नेट पिकिंग या पॉलिटिकल साइड्स नहीं लूंगी। इफ प्रधानमंत्री जी विजिटेड संदेश खाली, ही शुड हैव सेड अ वर्ड फॉर मणिपुर, ही शुड हैव सेड अ वर्ड फॉर वाराणसी के गैंग रेप विक्टिम्स, उनके ही बीजेपी के आईटी सेल वालों ने जिसका रेप किया। आज अंकिता भंडारी के माता पिता सड़क पर बैठे हैं रोड पे न्याय के लिए, एंड दिस इज सैड फॉर द स्टेट ऑफ वुमेन ऑफ द कंट्री। जो कह के आई थी बहुत हुआ नारियों पर वार, अब की बार मोदी सरकार नारियों पर वार बढ़ चढ़कर हो रहा है, तो मुझे लगता है वुमेन सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। 48% बेरोजगारी की मार दंश युवा झेल रहा है, पेपर लीक पिछले 10 सालों में अकेले उत्तर प्रदेश में 21 बार पेपर लीक हुए हैं, तो और इतने सुसाइड्स हम देख रहे हैं, बच्चों के सामने बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है भविष्य, तो मुझे लगता है बेरोजगारी सेकंड मुद्दा है। और आज महंगाई जो सर बाय खड़ी है, मुंह बाय खड़ी हुई है, दाल हो, आटा हो, तेल हो, हर चीज के दिन चौगुने रेट पे मिल रहे हैं, पेट्रोल हो, तो मुझे लगता है महंगाई से भी राहत दिलाने के लिए अगर आप सिर्फ तीन मुद्दों की बात करेंगे, मुद्दों की तो बहुत लंबी है, इसके लिए हम लोग आपका स्वागत रहेगा वन इंडिया पर। शरद जी, बीजेपी को ऑब्वियसली अगर कहा जाए कई ऐसे अनकंटेस्टेड पॉइंट्स हैं जिस पर बीजेपी की और एनडीए की वाहवाही हुई है, और वो बहुत सारे, चाहे वो नेशनल चाहे इंटरनेशनल, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेट मी एडमिट इट ऑन द नेशनल मीडिया आल्सो, बट आपके लिहाज से वो तीन ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे जो मुझे लगता है आपको लगता है कि डिफरेंशिएटर होगा पिछले चुनाव से इस चुनाव में, ताकि पार्टी 400 के पार जाए जैसा कि वो प्लेज ले चुकी है। देखिए सबसे पहले तो है कि लोक जनता का विकास, दूसरी चीज है कि गति शक्ति जो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है उसको बढ़ाना है, तीसरी चीज विश्व पटल पे भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, और जो हमारा कल्चरल जो रिवाइवलिज्म है, जो हमारी मंदिर टूटे थे, जो हमारी संस्कृति लुप्त हो गई थी, उसको दोबारा से वापस लेके आना है, ये हमारे मुद्दे हैं, और यही मुद्दा पहले भी था, यही मुद्दा आज भी और आगे भी यही रहेगा। ठीक ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका, पूजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो बात साफ है कि मुद्दे चुनाव के अंदर जरूर, जिस तरह से तीन तीन मुद्दे चार चार मुद्दे गिनाए हैं, लेकिन ये देखना होगा कि हम विधानसभा चुनाव के अंदर भी, हमने देखा पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए कि बड़े अच्छे मुद्दों के ऊपर वो चुनाव की शुरुआत होती है, लेकिन बाद में वो चुनाव जो है वो ऐसे मुद्दों के, भावनात्मक मुद्दों की तरफ मुड़ जाता है कि वो चीजें एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की जिसकी हम बात करते हैं उसके लिए बेहद खतरनाक चीजें हैं। उम्मीद ये करते हैं कि लोकसभा का चुनाव जिसके भी पक्ष में जाए, लेकिन वो रियल जो इश्यूज हैं उसके ऊपर जो है वो लड़ा जाएगा, और फिर जनता तय करेगी जाहिर तौर पर कि वो किसके साथ जाना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग, थैंक यू। 24 के चौपाल यहीं पर हम एक छोटा सा विराम लेंगे, कल फिर नए कार्यक्रम और नए गेस्ट के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे यहाँ पर। और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए। शुक्रिया।